दोस्तों अगर आपको भी चाहिए पूरे 20,000 तक का लोन, तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट पे लेटर ऐप के बारे में, जो कि क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन है। इस पे पूरे 20,000 तक का क्रेडिट लाइन मिल रहा है और इस क्रेडिट लाइन को आप दोस्तों यूपीआई से भी पैसे का लेन देन कर सकते हो। जी दोस्तों, यूपीआई से पैसे का लेन देन कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसको कैसे आपको अप्लाई करना है। मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इसे अप्लाई कर लोगे। इस एप्लीकेशन के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस एप्लीकेशन के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं फोन से नहीं आपको ले चलता हूं अपने डैशबोर्ड पे, वहां पे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आपको फोन से आपको इंस्टॉल करना है, फोन से अप्लाई करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, फोन पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, बिना ब्याज के ले सकते हो, वो भी पूरे 20,000 तक का। चलिए, ये जो एप्लीकेशन है जुपिटर ये एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके बारे में मैंने आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है, तो आर्टिकल पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ से लिंक पे क्लिक करके सीधे आ जाएंगे यहाँ पे प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिंक पे दे दूंगा। देखते हैं यहाँ पे जुपिटर के बारे में आपको सही से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। 20,000 तक का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बारे में आपको सही से जानकारी देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ये जो जुपिटर है, ये दोस्तों ध्यान रखिए कि ये आरबीआई से इनको लाइसेंस मिला हुआ है, फिर जाके आरबीआई अप्रूव्ड है, फिर जाके ये दे रहे हैं। 10,000 से लेके 20,000 तक का आपको मिल रहा है। तो यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे लिंक मिल जाएगा, तो यहां से क्लिक करेंगे, सीधे आएंगे प्ले स्टोर पे। देखते हैं सीधे आएंगे प्ले स्टोर पे देखते हैं जुपिटर, देखते हैं आ चुका है। और यहां पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। 10,00,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, कई लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, कई लोगों ने लिया है। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं, अबाउट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, यूपीआई से जुपिटर से पैसा का लेन देन कर सकते हो यूपीआई से। देखते हैं यहाँ पे गेट क्रेडिट ऑन यूपीआई विथ क्रेडिट लिमिट, देखते हैं यहाँ पे दिया गया पूरे 20,000 तक का। यूपीआई से भी इसका पैसे का लेन देन कर सकते हो, यहाँ पे किसी के मर्चेंट पे जाकर वहाँ से यूपीआई से पैसे का ट्रांसफर भी कर सकते हो यहाँ पे। इसके लिए कोई ब्याज आपको नहीं देना है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे हर मंथ का आपको टाइमिंग होता है, उसके अंदर पे करते हो तो कोई आपको चार्ज आपको नहीं देना होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे कि मान लीजिए कई दोस्तों कई सारे ऐसे पेलेटर हैं जहां पे दोस्तों आप यूपीआई से पैसा लेन देन नहीं कर सकते हो, ना ऑफलाइन कर सकते हो, सिर्फ उसे ऑनलाइन यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो जुपिटर है, ये जो एप्लीकेशन है, इस पर 20,000 का जो लिमिट दिया जा रहा है, ये क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन है, इस पर 20,000 का लिमिट आपको दिया जा रहा है। बिना किसी ब्याज का आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, यूपीआई से कहीं भी पैसा इसे लेन देन कर सकते हो इसका। तो और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इसमें। तो यहां पे दोस्तों देखते हैं 100% डिजिटल अप्रूव्ड है, इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है। 20,000 तक का क्रेडिट लाइन मिलेगा 0% ब्याज पे। बाय नाउ पे लेटर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप इसे शॉप कर सकते हो, एनीवेयर, कहीं भी। दोस्तों यूपीआई से पैसे का लेन देन कर रहे हैं हम, तो हम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम इसे यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा हुआ। क्योंकि दोस्तों कई सारे एप्लीकेशन जो है ना, वहां पर दोस्तों क्या होता है कि पे लेटर मिल रहा है लेकिन दोस्तों हम उसे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, उसका लिमिट होता है। लेकिन हम यूपीआई से जब पैसा का लेन देन कर रहे हैं तो यहां पे हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। देखते हैं, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, परसों जो भी है केवाईसी कंप्लीट करना है, इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा, इंस्टेंट पैसे को यूपीआई से पैसे का लेन देन आप कर सकते हो, इंस्टेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे दोस्तों अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, देखते हैं। 15 दिन के लिए आपको ये यूपीआई से यूज करने का आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको 0% ब्याज पे 15 दिन के लिए, ये आपको बिल्कुल 15 दिन के लिए आपको यूज करने के लिए है। 15 दिन से ज़्यादा करते हैं तो आप चार्ज देना पड़े, लेकिन 15 दिन के अंदर पे कर देते हैं तो आपको कोई चार्ज, आपको कोई ब्याज आपको नहीं देना होता है इसमें। और इसमें दोस्तों बताने वाला हूँ, अब यहाँ पे जो आर्टिकल मैंने लिख रखा है वहाँ बताने वाला हूँ क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ले चलते हैं आपको वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे उतना तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन हमने दोस्तों रिसर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा जो आर्टिकल यहाँ पे लिख रखा है हमने, और आर्टिकल में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है। यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट क्या क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, उसके बाद दोस्तों आपका पिक्चर यानी फोटो, आपका सेल्फी होना चाहिए, उसके बाद जो आधार कार्ड जो मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल केवाईसी होता है ये जरूरी होता है, उसको नेट साइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों आप इसे ले सकते हो। आपका एज होना चाहिए 21 साल। बाकी यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दिया गया इस आर्टिकल में, जाके विजिट कीजिए और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। यहीं पे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा जाएगा प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे दोस्तों उतनी डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जो कि हमने आपको आर्टिकल पर दे रखा है।
दोस्तों हमने आपको पूरी आर्टिकल जो अपना जो लिख रखा है वहां पे ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, वहां जाके एक बार विजिट कीजिए, वहां से सही से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिए। यानी कि कभी भी अप्लाई करते हैं किसी के बारे में, कहीं जाकर लोन चाहे पे लेटर कभी भी अप्लाई करें, कुछ भी करें, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। जानकारी नहीं लेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिविल सही होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड ले लें तो आपका सिविल सही होना चाहिए। बाकी मैंने बता दिया कैसे कैसे अप्लाई करना है। कहीं भी यूपीआई से पैसा लेन देन करते हो 15 दिन के लिए आपको मिल सकता है। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में अगर कहते हो तो स्पेशल मैं इसका मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करके अप्लाई करके भी दिखाना। तो मुझे अगर स्पेशल कहते हो मतलब इस पे इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आ जाते हैं लगभग, यानी कि लगभग कह लो तो मुझे सपोर्ट मिलेगा कि हाँ भाई लोग चाहते हैं, तो मिनिमम दोस्तों 500 लाइक दो। ये नया एप्लीकेशन आपके लिए लेके आ गया हूँ, अच्छी से एप्लीकेशन आप लोग कहते हो नया एप्लीकेशन लाने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, उसके बाद तो हम आपके लिए लाएंगे। तो कल कम से कम 500 लाइक इस पे आ गया तो उसके बाद हम आपके लिए नया वीडियो बिल्कुल रिव्यू करके लाऊंगा एप्लीकेशन पे। इस पे जाके हम साइन अप करेंगे, उसके बाद हम जाके इस पे अप्लाई करेंगे, पैसा का यूज करेंगे, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बाकी हमने रिसर्च करने के बाद ही हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारा काम आपको सही जानकारी देना, जो सही चीज होती है, जो RBI जिनको लाइसेंस मिला होता है, जो सही चीज होती है उन्हीं के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, उन्हीं के ऊपर जानकारी देते हैं। और हमारा काम है सिर्फ वीडियो में जानकारी देना जो कि हम अपने चैनल पे ही देते हैं, और कहीं से हम कॉल या फिर मैसेज मेल वेल कुछ हम नहीं करते हैं किसी के पास लोन के लिए। यानी कि हम लोन वो नहीं देते हैं, हमारे चैनल पे कोई लोन नहीं देता है, हम सिर्फ जानकारी देते हैं जो कि आपको सही से लेना चाहिए जानकारी। यानी कि ठीक है, कई लोग क्या कर रहे हैं आजकल फ्रॉड काम कर रहे हैं, किसी का फोटो लगा कुछ भी लगा के तो वहां पर नंबर डाल रहे हैं, तो ऐसा दोस्तों उनसे बच कर रहना, वो सब फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों जो भी इन्फ्लुएंस देते हैं हम आपको वीडियो देते हैं, आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं, लेकिन पहले समझो, समझने के बाद जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिजिटल आप काम कर रहे हो, डिजिटल होने के लिए बस आपको नॉलेज की जरूरत है, पहले वही इन्फ्लुएंस लेना है, उसको जाकर अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी से वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे पास आएँ और वीडियो देखें, ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।